पीछे कोई है। गाइस मेरी साइकिल की लाइट भी चार्ज नहीं है, वो आज सामने दिख नहीं रहा क्योंकि वो बच्चे ने चालू करके छोड़ दिया था। फटाफट 10-15 किलोमीटर सिटी में पहुंचो बस। हर महादेव भाई सुप्रभात, दिस इज मंगलेश मौर्या, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है मेरा मुंबई टू काशी ट्रिप का 8वां दिन, जो कि पता नहीं कैसा होने वाला। उसको गाइस जो 75 वाट का वर्कआउट था वो मैंने जस्ट अभी डन करके और कपड़ा चेंज वगैरह करके अभी मैं यहाँ से कुछ खा के निकलूंगा फटाफट। आइए देखते हैं मजा आएगा। हमें आज डिस्टेंस कवर करना है, कल किया नहीं था कुछ भी। रेडी हो चुका हूँ, 8:50 हो रहे हैं अभी और मैं यहाँ से 9 बजे तक मतलब बाहर हो जाऊँगा। तो हमने पीछे का बोर्ड तो गिर गया तो हमने ऐसा कुछ लिखवा दिया। अभी यहाँ से हम निकलते हैं गाइस और जाना है हमें सागर, तो देखते हैं आज सागर कितना कवर कर पाते हैं। यहाँ से अभी 200 किलोमीटर है कुछ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस मैं वाहेगुरु को प्रणाम करके यहाँ से निकलूंगा, कितना प्यारा है गाइस। जो मुंबई में ना देखने को रेयरली बहुत कम मिलती है और वो चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे टैक्सी में चल रही है भाई, टैक्सी में सब लाइनें से लगी हैं, समझ रहे हो। सो गाइस वो जगह स्टार्ट हो गया है भोपाल का, वो जंगल जो काफ़ी मतलब ऐसा रात के टाइम पे क्रॉस करना खतरों से खाली नहीं है। तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे दिन में हूँ क्योंकि कल मैं रेस्ट किया, सब प्लान किया कैसे कहाँ पे कब दिन में निकलना है। तो भाई प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट, प्लानिंग और पावर, गट्स, ये सब रहना ज़रूरी है अगर अकेले निकल रहे हो ट्रिप पे। तो बस चलते रहो और जंगल देख ही रहे, जंगल के मज़े भी ले। यहाँ पे कोई अगर रात को तुम किसी से लिफ्ट भी मांगोगे ना भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है रात को, अगर तुम किसी से लिफ्ट भी मांगोगे ना तो नहीं देगा। तो मैं तो कल यूं ही मतलब रात को जब मैं चला रहा था तो मैं ऐसे यूं ही पूछने के लिए एड्रेस भाई भाई कहला भैया भैया ऐसा चिल्ला रहा हूँ, रुक ही नहीं रहे, समझ रहे। तो यहाँ पे इस जंगल में कौन रुकना चाहेगा बताओ। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। इस जंगल में मैं एक शेर, चल काशी अब हो गई देर, चल काशी अब हो गई देर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आई एम सॉरी बाबू। मजा तो आ रहा है ट्रिप में, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, दिखाएंगे तुमको दुनिया अच्छा और लगाएंगे अकेले मिलके चार चांद। हर हर महादेव। तो गाइस अभी स्लोप आने वाला है, काफ़ी डेंजर स्लोप है तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। ओके मेरी साइकिल ऑटोमेटिक आ गई है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि रिस्क लिया मैं और चला गया। सो गाइस मैं आ जाता हूँ एक, चूँकि हनुमान जी का मंदिर रहता है और यहाँ पे शायद कीर्तन वगैरह कुछ होता रहता है। हनुमान जी का मंदिर है, प्यारा मंदिर है। ओके तो ये मंदिर पर हम नमन करके और पाँव पकड़ के। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कर्क रेखा जो कि यहाँ से खींचा गया है, देख लो यहाँ पे है और कर्क रेखा, ये भोपाल कर्क रेखा और उधर भी ये बना है। ये शायद वर्ल्ड का या इंडिया का कर्क रेखा हो सकता है, मेरे को जहाँ तक पता है कि वही होगा। कमेंट करो मतलब मैं सही हूँ या गलत हूँ, बताओ ये कर्क रेखा कहाँ का है, किस चीज़ का है, क्या है। साइकिल खड़ा करके खाऊँगा थोड़े पोहे क्योंकि रास्ते पर सब जगह जंक फूड ही मिल रहा था, मतलब सिर्फ बड़ा पाव भजी पाव करते ये सब ही मिल रहा था। मैं यहाँ पे पोहे खाऊंगा फिर यहाँ से निकल जाऊँगा विदिशा के लिए। यहाँ पे पोहे रखे हैं, खाना ही पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा और बाकी कुछ है नहीं। मैं खा के एक प्लेट और निकलूँगा यहाँ से। अंकल एक प्लेट पोहे देना। अभी थोड़ा चढ़ाने में फट रही है, मैं जस्ट अभी ब्रिज चढ़ा रहा हूँ, थोड़ा हाल खराब हो चुकी है हालत, कुछ बोल नहीं सकता मैं। हर हर महादेव के अलावा जय श्री राम। एक मंदिर आ गया है और हनुमान जी का ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जय हनुमान।
मंदिर है और यहाँ पे भगवान है, कौन सा भगवान है पता नहीं, राधे कृष्ण। और ये यहाँ पे भगवान भोलेनाथ गणेश जी, ये लक्ष्मी माता है या सरस्वती माता, लक्ष्मी माता से। ओके चलो चलते हैं आगे की तरफ, प्रस्थान करते हैं और सरस्वती माता यहाँ पे और मूर्ति है बाहर। चलो हर हर महादेव। हालत खराब हो चुकी है हमारी, चढ़ा चढ़ा के ऑलरेडी बहुत से हिंद को चढ़ाया है और ये भी चढ़ा ही लेंगे। महादेव अरे महादेव, ये रास्ता जो भी हम चढ़ा के आ चुके हैं और दिख रहे हैं काफ़ी चढ़ा रहे हैं यार। ब्रेक वो लड़के ने तोड़ा था, अब वो पूरा टूट चुका है और मैं उसको ठीक करूँगा। ठीक है बाबा, मिलता हूँ उससे फिर। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर, जो कि यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है और जो मंदिर मैंने फोटो में देखा वो उधर है। ओ भाई साहब, तो साइकिल पार्क करने का मैं प्लेस ढूंढ रहा हूँ। हाँ अच्छा है, पार्किंग वहाँ पार्क कर दूँगा। ठीक है सो गाइस, मैं फाइनली आ तो गया हूँ यहाँ पे और साइकिल यहाँ पे मैं खड़ा कर देता हूँ अपना। और ये गौतम बुद्ध यहाँ पे, अभी हम दिखाएंगे टिकट आपको दे दूँ या फिर लेके जाना है। जो उनका ग्राउंड है वहाँ पे अंदर आ जाता हूँ और काफ़ी स्कूल के बच्चे रहते हैं, काफ़ी अच्छा है, शांति है, सुकून है, प्यार से भरा है, हरियाली है। तो गाइस मैं इसके ऊपर तो आ चुका हूँ, यहाँ पे मतलब कुछ है नहीं, बस ऐसा राउंड राउंड से बाजू बाजू से ऐसा बारजा टाइप बनाया गया है और जो कि ये डिज़ाइन है स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख रहे हो बहुत कूल अमेजिंग। और यहाँ से देख रहा हूँ व्यू इसका जो है, तो यहाँ पे बुद्ध जी मतलब यहाँ पे ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। कोई डिज़ाइन बनाया, किसी में नहीं बनाया इसको। और बहुत से कुछ इसके तीन से चार दरबार है, मतलब तीन से चार रास्ते, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे है और एक उस साइड है। ओके और सभी मूर्तियों जैसे मैंने बताया डिज़ाइन का कुछ मतलब मीनिंग है, तो यहाँ पे लिखा गया है ये डिज़ाइन का मीनिंग क्या है और यहाँ पे सब मतलब दर्शाया गया है, हमें बताया गया है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा तो जाके समझ में आएगा। ठीक है इतना टाइम नहीं है, चलते हैं अभी, हमें आगे निकलना है सागर के लिए। तो बस हो गया यहाँ से, थोड़ा बहुत और कुछ जो भी रहेगा देख के फटाफट हम निकलेंगे पैकअप करके। ठीक है यहाँ सब कुछ पत्थर की ये है, सब पत्थर है भाई। एक्चुअली मैं गया उस रास्ते से और आया इस रास्ते से, अब मुझे भी नहीं पता था चार दरवाज़ा है, तो मैं बोला शायद मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, मतलब वही रास्ते से दूसरे सीढ़ी से आ रहा हूँ, पर दूसरा सीढ़ी नहीं था, दूसरा दरवाज़ा ही था। ये देखो डस्टबिन क्या सही बनाया ना, और सीढ़ी भी यहाँ पे पत्थर की ही है जो कि काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, सहनशील है। जाना नहीं होता काशी तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दिन यहीं पर रुक जाता, क्योंकि जगह रुकने जैसी तो शायद परमिशन ना दे, बट है काफ़ी अच्छी। पूरा दिन तो यहाँ पे बिता ही देता क्योंकि यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, इंतज़ाम है, सिर्फ खाने का छोड़ के रहने का, सोने का, वर्कआउट करने का, मतलब एवरीथिंग मैं यहाँ पे अपना कर देता डेली रूटीन में जो भी रहता मेरे। और देख रहा हूँ काफ़ी अलग अलग प्रकार के पत्थर, डिज़ाइन किया गया पत्थर, मोनास्टेरी विहार 1747 गाइस दिख रहे हैं। चलो फिर भी यहाँ से हम वो मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद में चले जाते हैं। ओके बाबा, और इतना ऊपर से मैं साइकिल चढ़ा के आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ओके काफ़ी मेहनत की है और साइकिल चढ़ाने में जो हालत ख़राब हो गई ना, आवाज़ ही नहीं निकल रहा, सिर्फ मेरे सांसों का आवाज़ आ रहा है ऐसा। और अभी उतारने के टाइम पर तो मज़ा आएगा, मतलब एक बार छोड़ दिया तो साइकिल चली जाएगी।
तक अगर मैं निकला होता तो मैं सोच रहा हूँ सागर 30-40 किलोमीटर और क्रॉस कर चुका होता, बट ठीक है, कुछ एक्सप्लोर करने आया हूँ तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। और ये शायद घर है, वो छोटा सा, और ये घर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है, अंदर थोड़ा सा स्पेस है किचन जितना, और बाकी कुछ नहीं। शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे खाना बनाते थे बुद्ध जी, वैसे वाली बनवाते थे। फटाफट जितना एक्सप्लोर करेंगे अच्छा है, क्योंकि हमें निकलना भी है। काफ़ी शांति भी है यार यहाँ। अंकल जी को देखते हैं। अंकल जी मैं काशी से आया हूँ, सॉरी मुंबई से आया हूँ, काशी जा रहा हूँ जी। कितना दिन लगेगा आपके हिसाब से साइकिल से? लग जाएगा 15 दिन लग जाएगा आपको अभी, और यहाँ से और काशी जाने में 15 दिन लग जाएगा। आराम से जाओगे घूमते, अभी उदयगिरी जाओगे घूमोगे। कहाँ पे? वहाँ भी रुकना है, विदिशा, उदयगिरी। विदिशा क्या है वहाँ पे? उदयगिरी है, गुफाएं हैं वहाँ पर। अच्छा भाई, गुफाएं भी है वहाँ पे, भी घूम लेंगे। चलो अंकल ने बता दिया तो और अच्छी बात है। जाते रहे, आज सागर पहुँच जाऊँगा अंकल मैं, आज पहुँच जाओगे 9 बजे भाई सर आप। ओके भाई, चलो भाई सागर पहुँच जाएंगे, अंकल ने बता दिया तो पहुँच जाएंगे। चलो ये देखो गेट है, काफ़ी अच्छा है, जो कि बना गया है एकदम ओल्ड जमाने का, और काफ़ी अच्छा यार ऑफिस है इनका। पता नहीं अलाउड है कि नहीं यहाँ पे, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ देख मतलब घुस गया हूँ, जो भी होगा बोलूँगा मीडिया से हूँ। तो ये ऑफिस रूम है एक्चुअली इनका, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है आना अलाउड नहीं रहेगा आई थिंक सो। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का, देख लो ऐसा घर हो, घर के बाहर ऐसी हरियाली हो, कितना अच्छा हो। ऐसा बाहर ऐसा चेयर बैठने के लिए होना चाहिए, अपना भी होगा एक दिन ड्रीम होम मस्त वाला, कभी ना कभी तो होगा ना भाई। तो अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा बाहर, यहाँ साइकिल पार्किंग है और उसके सामने वो घर है, तो वहाँ पे वो दिखा के फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा सागर के लिए। मुझे आज सागर पहुँचना है, बिकॉज देख रहे हो पूरा जंगल है, जंगल में यहाँ पे पेड़ है जो कि पत्थर वाले जगह पे, देख रहे हो कैसे पेड़ उगे हैं। और ये है एक ऑफिस रूम या रूम कुछ भी, देख लेते हैं कि इसमें क्या है कैसा है। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे हाथ धोने के लिए बना है बस, और पता नहीं ये इतना बड़ा हाथ धोने का रूम इतना दूर क्यों बनाया है कुछ पता नहीं। आपको पता है तो बता दो कमेंट करके, ठीक है। इतना दूर वहाँ से हाथ धोने का यहाँ पे क्यों बनाया है, क्यों मतलब क्यों? आपको टेम्पल दिखा के फिर यहाँ से चले जाएंगे। ओके, क्या है कैसा है, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतार दें, आगे टेम्पल है। ओके अच्छा हुआ आप लोग को दिखाने के चक्कर में वो पढ़ लिया बोर्ड, वरना मैं शायद जूता मार के ही चला जाता और फिर वो मुझे मार के चला भेज देते। ओ भाई साहब बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यारी चीज है, गेस करो यहाँ पे क्या होगा। ये देखो वो तो दिख ही रहे यहाँ पे, ये देखो गौतम बुद्ध जी, दान पात्र भी इनका यूनिक है। तो गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये काफ़ी स्लोप है जो कि हमने चढ़ाया था जो, और वो गांव हमें उतना नीचे जाना है। ओके हाईवे मिलेगा तो यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि गाड़ी स्लोप पे नहीं चला सकता, काफ़ी ज़्यादा स्लोप है और ब्रेक इतना अच्छा है नहीं कि ब्रेक एक मार के मैं स्लोप उतार सकूँ, दोनों मारना पड़ेगा। ओके देखते हैं अब कहीं और जगह अच्छा प्लेस रहेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, और सपोर्ट बनाए रखो वीडियो, अब तक तो लाइक कर दो यार, इतनी अच्छी चीज़ें दिखा दी तुमको। चलो हर हर महादेव। तो गाइस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ गॉगल वगैरह चेंज कर लेता हूँ अभी से ही, तो बाद में मुझे रास्ते में रुक के चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ खा लेता हूँ, मतलब जैसे कि यहाँ पर कुछ मेरे लायक तो मिलेगा नहीं, तो मैं सोचूँगा पानी पी लेता हूँ, अगर दही वगैरह छाछ वगैरह रहा यहाँ पर तो वो पी खा के निकलूँगा आगे की तरफ। ओके तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एक हिल पे, और यहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि मतलब थोड़ा जानवर यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो गाड़ी सावधान से चलाए, जो हिरन वगैरह रहती है, लीली गाय वगैरह रहती है, देखो ये जंगल में आते जाते रहते हैं। देखो और ये भैया का देखो हमें मिले हैं, तो उनको इंस्टा आई डी मतलब और मेरा यूट्यूब चैनल चाहिए, उसके लिए खड़े हैं वो भाई, दे देते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो, देखते रहो। सो गाइस जो इस एरिया में मैं आ गया हूँ वहाँ पे काफ़ी जानवर रहते हैं, और एक बार शेर भी यहाँ से गुजर चुका है, तो ये देख रहे हो। गाइस डर तो इतना लग रहा था कहीं ऐसा ना हो, मैं मोबाइल ऐसा वीडियो ले रहा हूँ, उनको लगा कुछ खाने वाला चीज़ है और छीन ले,
इसके लिए वीडियो बहुत डर के निकाला हूँ। और इधर से शेर वगैरह भी आ जा चुका है क्योंकि लोग बोल ही रहे थे मेरे को रास्ते में, ना तुम्हारे पीछे कोई है और ना तुम्हारे कोई आगे है, और जंगल में सिर्फ तुम ही तुम भागे हैं। कितना डर लगेगा सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जानवरों का क्षेत्र है, पहले से ही बोल दिया गया है, तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती हैं सब स्पीड में जाती हैं, और मेरे पैर में इतना पावर नहीं बचा कि मैं स्पीड जाऊँ, बट फिर भी लगा रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक दम जितना जा सकता हूँ। ओके, हर हर महादेव। और हर हर महादेव देखो, चलो हर महादेव। सो गाइस, शाम भी हो चुकी है और सूरज भी ढल गया है, पर ये रास्ता खाली ही खाली दिख रही है आप सभी को। इस रास्ते में सिर्फ मैं और मेरी साइकिल, और कोई नहीं, देख सकते हो आप। चलो हर हर महादेव, मिलते हैं। सो गाइस, आज हमने पूरे दिन साइकिल चलाया है और बुद्धा टेंपल को विज़िट किया है। तो बुद्धा टेंपल विज़िट किया तो हम एक्चुअली सुबह गुरुद्वारा से लंगर खा के नहीं निकले क्योंकि 12:30 बजे लंगर रेडी होता था। तो उन्होंने बोला कि रुक के जाओ, बोला नहीं मैं जाऊंगा, रास्ते में कहीं खा लूँगा। और निकलने के बाद मुझे खुद को नहीं पता कि मैं खाना नहीं खाया हूँ, पानी पीते गया और मैं चलाते गया साइकिल, और पानी पी के बीच में पोहा खाया था मैं, जो वीडियो में दिखाया हूँ वही खाया हूँ, और बाद में अभी पानी पिया। और गाइस, कुछ खाया पिया नहीं हूँ मैं, सुबह से चला रहा हूँ। मेरे पापा फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कुछ खाया खाना ही ना, तो मुझे याद आ रहा है हाँ खाना खाया क्या मैं, तो मुझे समझ में आ रहा है नहीं खाना ही नहीं खाया मैं आज, और ऐसे ही साइकिल चला रहा हूँ। अब मुझे पहुंचना है सागर, क्योंकि वहाँ से 174 किलोमीटर था कुछ, तो देखता हूँ मैं आज कितना डिस्टेंस कवर कर पाता हूँ। और काफ़ी रात भी हो गई है तो देखते हैं, कुछ खाया पिया तो नहीं हूँ। और ये 250 रुपये मेरे पास 4 दिन से है, 4 दिन से वो 250 रुपये मैं चला रहा हूँ सिर्फ पानी ले लेके। दोस्त लोग बोल रहे अरे भाई पैसा चाहिए तो बताना, और 250 रुपये उनको बताया था मैं 4-5 दिन पहले कि 250 रुपये है मेरे पास, और वो बोल रहे हैं कि वो 250 रुपये तेरे पास कैसे चल रहा है, अब उसमें से कुछ पैसे ही बचे रहेंगे, पानी का बॉटल ही खरीद के मैंने सिर्फ पिया है बाकी और कुछ नहीं, और 10-20 रुपये का पोहा खाया है और फ्रूटी पिया रहेगा बाकी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं, बस हर हर महादेव चल रहा हूँ बस ऐसे ही महादेव के नाम पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी साइकिल की लाइट भी चार्ज नहीं है तो आज सामने दिखने का है, क्योंकि वो बच्चे ने चालू करके छोड़ दिया था, और आगे कुछ है भी नहीं और मैं जंगल में हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, दिख रहे हो सी वे वाइट पट्टी दिख रहा है जो कि मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ, इसलिए मैं वाइट पट्टी पर ही हूँ और बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट 10-15 किलोमीटर सिटी में पहुँच जाऊँ बस, तो वाइट पट्टी को फॉलो करते करते जा रहा हूँ, और बाकी कुछ तो दिख ही नहीं रहा क्या है। हर हर महादेव का नाम लिखे, जंगल है पूरा भाई, पूरा जंगल है जो कि कुछ दिख नहीं रहा, जंगल सामने सभी एक आ रही है, बाकी पूरा जंगल है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। फटेगी कि नहीं फटेगी तुम बताओ, और मेरी फट रही है कि मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो हर हर महादेव, सत श्री अकाल। गाइस, जंगल की आवाज़ सुनो, आवाज़ चारों साइड से, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है बट आवाज़ सुनो खाली।
और महादेव भाई फट के चार भी बड़ी है, पसीना मुंह पे आ चुका है। चलिए एक वीडियो लेता हूँ आपका। तो गाइस हमें देखो लाइट तो दिखती नहीं है क्योंकि हमारा लाइट तो डिस्चार्ज हो चुका है। तो हमें मिलते हैं एक भैया जो कि हमारे पीछे से आ रहे हैं और हमें बाइक का लाइट चालू करके अपने और हमारे पीछे पीछे चल रहे ताकि हमें रास्ता दिखते रहे कंटिन्यू। ओके तो ये भैया है, भैया आगे आना जरा। तो ये भैया है तो ये हमें लाइट दिखा रहे हैं और मतलब मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब भाई सोच रहे हो सब आदमी अगर हेल्प करना चाहेगा तो किसी भी तरह हेल्प कर सकता है और जिसका नहीं करना है तो 72 से बहाने हैं उसके पास और कुछ नहीं। धन्यवाद भाई, ऐसे लोग होने चाहिए। हर हर महादेव, सत श्री अकाल। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे साइकिल यहाँ पे। थोड़ा मध्य प्रदेश में चुनाव का सीज़न चालू है तो यहाँ पे जो यहाँ के मतलब कार्यकर्ता है और जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह है कुछ, और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक मौजूद है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे रहने का शरण वगैरह मिल जाता है और रात गुजारना हमारा आज यहीं पर होने वाला है। खाने पीने का जो भी रहेगा खाने का टाइम पर मिलेंगे। बाबा मैं आ चुका हूँ अंदर, ये दिख रहे हो रूम में, और अपना साइकिल पार्क कर चुका हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं क्योंकि काम अपना कर रहे हैं, मतलब पार्टी के लोग। तो पार्टी के लोग अपने हाँ कर लेना। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है ना, तो चार्जिंग यहाँ पे कर लेंगे। सो एक्चुअली जो गाइस लाइट अंकल जी दिखा रहे थे पीछे से बाइक पे वो ये अंकल थे। तो इन्होंने बोला कि आप मुंबई से काशी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बताया तो बोले रहते कहाँ पे, मतलब ऐसे ही जहाँ पे अंधेरा हो गया उधर जगह देख के कहीं रुक जाता हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमारे पार्टी का ऐसा ऐसा प्रोग्राम चालू है, अभी चुनाव का ही मौसम है, तो बोला चलो जगह मिल जाएगा तुमको रहने मिलने खाने मिलने का। बोला चलो दिखाओ, तो अंकल यहाँ पे लेके आए और धन्यवाद अंकल आपका, काफ़ी आपने मदद किया। और ऐसे ही हमें रास्ते में भी बहुत लोग मिले थे जो हमें 2 से 3 दिन से मदद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा मिल के इनसे। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं है कहीं। सो गाइस मैं अभी निकल जाता हूँ ये भाई के साथ में यहाँ पे जो कि हमें मिलने आ रहे हैं, और उनके बाद में हमने उनको बताया कि हम काशी जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने। तो ये बोले कि मैं भी अभी आया, 108 शिवलिंग का पूरे भारत में कहीं पे नहीं है तो दर्शन करके अभी आ रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? तो उन्होंने बोला बस नज़दीक ही है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये भाई हमें लेके बाइक से चलते हैं 108 शिवलिंग दिखाने, और महादेव के तो तुमको पता है मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। वो की श्रद्धा लेके साइकिल से, तो भाई ये भी भक्त है तो की टीका देख रहे हो क्या, महाकाल का ही है। तो मैं निकल पड़ता हूँ रात को बिना खाए पिए चल देने सिर्फ महाकाल का दर्शन देने। लौट के आके भाई को बढ़िया भोजन कराएंगे, उससे पहले हमें पता नहीं था भाई रुकाए यहीं पे, अभी पता चला वरना अभी भोजन करा दिया था पहले। अभी मैंने नहीं भाई, कोई बात नहीं, भूखे जाएंगे तो भगवान और खुश हो जाएंगे। मैं खाना खा के आ गया यार, मुझे ऐसा पता नहीं था। स्वार्थ का काम है भाई, बिना स्वार्थ के मुझे ऐसा पता नहीं था कि बाबा बुला लेंगे। हाँ मैं भी भूखा था, मैं अब भी दिन भर का भूखा घर गया भाई। आज सुबह से मैं खाना नहीं खाया, मुझे पता नहीं कि खाना नहीं खाया हूँ। और मुझे गाइस पता ही नहीं कि मैं सिर्फ साइकिल चला रहा हूँ सागर पहुँचना है करके ये चल रहा हूँ। और बाद में पापा फोन किए तो ऐसा मुझे पापा पूछे खाना खाया, बोला हाँ नहीं खाया क्योंकि गुरुद्वारा से मैं 9 बजे निकल गया और गुरुद्वारा से खाना 12 बजे मिलता। तो हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और कितने मिनट में वहाँ पे कैसे सीलिंग है 108 के, आपको भी दिखाऊंगा, देखते रहो हमारे साथ जुड़े रहो। करें हर हर महादेव। ये सब छोटे मोटे बाजारों से होते हुए हम जाते हैं बाबा का दर्शन करने, और मज़ा तो तब आएगा जब बाबा का दर्शन करने को मिले। तो देखते हैं, बाबा ने चाहा तो भेजा इनको है तो ज़रूर मिल ही जाएंगे यार दर्शन। बिल्कुल दर्शन। सो गाइस हम मंदिर में आ जाते हैं, और मंदिर जो कि ये अलग हो गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये सिंगार रहता है तो सिंगार गुरु जी हटाते हैं और इसमें 108 भक्तियाँ रहती हैं, मतलब 108 की जो भी छोटी छोटी मंदिरें हैं अब तक कहीं भी नहीं है, देख सकते हो जय श्री महाकाल। और काफ़ी अच्छे और बाबा की मूर्ति अभी हम देखेंगे कैसे ये बाबा इस पंडित जी ने सभी जो भी इनके मतलब श्रृंगार वगैरह रहते हैं महाकाल देवों के देव महादेव के वो हटा देते हैं
और भाई 108 शिवलिंग अब तक मैंने खुद कहीं नहीं देखे और शायद इस दुनिया में भी कहीं नहीं होगा। और ये देखो कितने प्यारे हैं, मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं आप, ये टोटल 108 है, काउंट कर लेना आराम से भाई, कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है देखो। ये अभी पूर्ण रूप से श्रृंगार में भी नहीं है, पूर्ण रूप से श्रृंगार और बेहतरीन होता है। सो भाई देख के ना मन एकदम प्रसन्न हो गया सच्ची में, और दिल को इतना सुकून मिला ना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राम राम। ये है नंदी जी, क्योंकि नंदी जी भी काफ़ी छोटे नहीं है भाई, काफ़ी बड़े हैं। अब तक मैंने इतने बड़े नंदी जी और इतने पत्थर के इतने ये डिज़ाइन में नहीं देखे हैं, और ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। ओके तो मिलते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा लगा। अब जाके खाना खाएंगे और अब सुकून चैन से नींद लेके सोएंगे, ठीक है। हर हर महादेव, 108 शिवलिंग दिखा दिया आपको, अब लाइक वगैरह कर दो। ये हैं उनके अवतार हनुमान जी, क्योंकि अभी मतलब मंदिर बंद हो चुका है तो ये नहीं दिखा सकते, और आपको पीछे तरफ और भी दिखाते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ जो है। ओके और फिर उनके पीछे ही जस्ट देवों के देव महादेव के पीछे, ये मंदिर के पीछे ही वीना नदी ना, या बीना नदी। ओके बीना नदी भाई, तो जलप्रपात है वाटरफॉल के नाम से। तो गाइस मैं वहाँ से दर्शन करके भगवान भोलेनाथ का, अब मैं निकल जाता हूँ कुछ खाने के लिए, पहले खा लूँगा। और ये भाई बोलते हैं वहाँ पे मत खाओ, क्योंकि वो प्रोग्राम है इलेक्शन वालों का, तो उसमें पीना वीना भी रहता है। और मैं जा रहा हूँ काशी, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ों को पास जाऊँ, तो देखते हैं। अभी ये भाई बोल रहे हैं कि चलो ढाबे पे खाना खा लो, तो जाएंगे ढाबे पे शायद खाना खाएंगे। ओके तो मिलते हैं जहाँ खाना खाएंगे। तो भाई हमें ये भाई ने लेके आया है ये ढाबे पे, क्योंकि काफ़ी क्राउड है, क्राउड तो काफ़ी है और अच्छा है। बोल रहे हैं यहाँ का फेमस ढाबा है, मतलब खाना अच्छा मिल जाएगा, पेट खराब होने वाला नहीं वहाँ जैसा। तो पहले यहाँ पे जाके खाना वाना खाते हैं और देखते हैं कैसा है ढाबा। और देखो भाई साहब खाना बना रहे हैं, जो सलाद विलाद सब प्रॉपर एकदम प्लेट में कट करके रख रहे हैं अचार उचार के साथ। ओके तो खाना खाने लेते हैं और हम बैठेंगे यहाँ पे। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है, जो कि काफ़ी सही अच्छा लग रहा है, टेस्टी। काफ़ी दिन बाद भाई अच्छे खाने को मिल रहे हैं, अब तक जो मिले हैं घर वाले भी और बाहर वाले भी। मतलब उस दिन मैं लास्ट टाइम पनीर खाया था जब ढाबे पे, और उसके पहले मतलब मैं जब भी खाया तभी ठीक था, लेकिन अब तक भाई सच्चे खा रहा हूँ मैं, थोड़ा पेट भर के खाना खाऊँगा ऐसा लग रहा है, या तो फिर घर पे जाके ही खा रहा था। और ये सबका देन है ये भाई, क्योंकि ये अच्छे होटल पर अच्छे ढाबे पर लेके आए करके मुझे ऐसा खाना मिला, वरना पता नहीं मिलता कि नहीं, नसीब की बात। ठीक है तो अभी खाना खाता हूँ फटाफट, और चपाती आने तक। ये लो ये भी चपाती भी आ गई, और मैं फटाफट खाना खाता हूँ बिना देर किए, अब मुँह में आ गया पानी। चलो बाय बाय। भाई पालक पनीर बहुत अच्छा है, और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 70 रुपये, और क्या चाहिए इतने सस्ते में इतने अच्छा खाना। मुंबई में मिलता ना मैं रोज़ यही खाता भाई, बस इतने सस्ते में इतना अच्छा खाना, सलाद वाला चटनी उटनी फुल घी भी लगा के एकदम मस्त। चलो हर हर महादेव। तो गाइस खाना तो बहुत ही टेस्टी था और मज़ा आ गया खाना खा के। और भाई साहब क्या बताएं कि अब क्या बोले अब तुमको, कि ज़बरदस्ती पैसा वैसा देने नहीं दिया, और क्योंकि देना था मेरे से ही, अब ये एहसान रह गया इनके ऊपर। नहीं भाई एहसान की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये भाई प्रसाद चढ़ाने के लिए देते हैं, जो कि राम दक्षिणा। तो भाई ठीक है, हर हर महादेव के नाम पे तो बहुत लोग ने दिया है, हम तो सब वहाँ पे जाके अपने को दान मून करना है और प्रसाद वगैरह सबका चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, बहुत काम है पहुँचने के बाद। महाकाल ने भाई हमें शुभ अवसर दिया है सब भाई, हाँ, ये खाना खिलाने का है, तो भाई हम जरूर करेंगे और पूरा करेंगे। सो गाइस हर हर महादेव, आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और हमने आज काफ़ी प्लेस को एक्सप्लोर किया, और 108 हमने
शिवलिंग को देखा, काफ़ी अच्छा था, और बुद्धा टेम्पल को भी देखा, तो काफ़ी मज़ा आया। बस मुझे एक बात का है कि कब मुझे भूख लगी, बट मुझे खुद याद नहीं है कि मैं खाना खा के निकला हूँ या नहीं निकला हूँ। बस रास्ते में पानी पीते 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 पूरे सफ़र मैंने काट दिया। रात को पापा फ़ोन करके पूछते हैं खाना खाया, तो मैं सोच रहा हूँ खाया कि नहीं। मतलब बिज़ी हो गया ना मैं अपने काम में, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि खाना खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। तो वो अपने आप को बिज़ी रखोगे ना भाई, तो दुनिया क्या कर रही है, कुछ क्या बोल रही है, कुछ समझेगी, मतलब कुछ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को बिज़ी रखो और अपने काम पे ध्यान दो। ओके, फोकस ऑनली योर गोल। सो हर हर महादेव, शुभरात्रि, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।